मैं हूँ करण नाज। 18 ज़िलहज, आज खलीफा सोयम हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत है। वो उस्मान जो जुल नौरैन, जुल हिजरतैन, जुल बिशारतैन, जुल बैतैन है। उस्मान वो जो यार मुस्तफ़ा हैं, उस्मान वो जो दामाद मुस्तफ़ा हैं, उस्मान वो जो हाफिज कुरान हैं, उस्मान वो जो नाशर कुरान हैं, उस्मान वो जिन्हें कामिल हया व ईमान कहते हैं, उस्मान वो जो शर्म हया का पैकर हैं, उस्मान वो जिनसे फरिश्ते भी हया करते हैं, उस्मान वो जो अहले बैत की मोहब्बत में इस कदर आगे कि अपने भाई हैदर कर्रार की शादी का सारा खर्च उठाते हैं, उस्मान वो कि जिनकी हिफाजत के लिए शेर खुदा इमामुल जन्नत इमाम हुसैन को भेजते हैं, उस्मान वो जो सरदारान जन्नत से अपना माल खर्च करवाने पर फख्र महसूस करते हैं, उस्मान वो जिनकी महफिल में बैठने के लिए सहाबा जौक दर जौक आया करते हैं, उस्मान वो जो नबी की खिदमत में अनाज से भरे ऊंट पेश करते हैं, उस्मान वो जो गजवा अहद में नबी के महाफिज हैं, उस्मान वो जो 22 मुरबा मील पर हुकूमत करें, फौज को जदीद अंदाज में तरतीब दें, आपकी सरपरस्ती में हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम का पहला बहरी बेड़ा तैयार करें, उस्मान वो जो कहें कि अल्लाह का हुक्म है कि इमाम या अमीर कौम का निगरान या चरवाहा हो, इसलिए अमीर न हो कि अवाम को टैक्स के बोझ तले रौंद डाले, उस्मान वो जो उम्मत के लिए कुएं खरीदते हैं, वही उस्मान जो 40 दिन भूखो प्यास के आलम में कैद रहे, उस्मान वो जिनके लिए अली उल मुर्तजा मशकीजे पर तीर खाएं, उस्मान वो जिनके लिए अली इमामा उछाल कर अपनी आमद का पता दें, उस्मान वो जो हालती बीमारी में भी बगैर लिबास गुसल ना करें, जालिम उनकी पीठ में बरछी मारे, उस्मान वो जिनकी दाढ़ी खींची जाए, नबी के हाथ में दिया हुआ हाथ काट दिया जाए, सर पर लोहे का हथियार मारा जाए, गिर जाए तो ठोकरें मारकर आपकी पसलियां तोड़ दी जाएं और आपकी शहादत हो जाए, उस्मान वो जिनकी शहादत का गवाह खुद कुरान मजीद है, उस्मान वो जिनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक उस्मान मेरे सहाबा में से खुल्क के एतबार से सबसे ज्यादा मेरे मुशाबे हैं। हजरत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत, तर्ज जिंदगी, सखावत और इश्क नबी बेमिसाल है। सहाबा कराम अहले बैत अतहार की जिंदगियां उम्मत के लिए, हर आम खास के लिए रोल मॉडल हैं, मयार हैं। अल्लाह हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।